उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शुभारंभ किया जा रहा है। इस प्लांट से उत्पादित बायोगैस का प्रयोग ऑटोमोबाइल, खाना पकने समेत कई चीजों में किया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में एनसीआर समेत कई शहरों में नवंबर माह की शुरुआत से ही स्मॉग समेत कई तरह का प्रदूषण शुरू हो जाते हैं। जल्द ही इसको सुधारने का भी काम किया जाएगा। क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड वायु गैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर जारी अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश से विपक्षी खेमे के लिए एक बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से उनकी पार्टी गठबंधन की शुरुआत कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अभी तो सीट बंटवारे पर बातचीत ही चल रही, वैसे भी सीट शेयरिंग की घोषणा कांग्रेस करेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये बात रास नहीं आ रही। साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के गांव लाडपुर में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीशर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा बयान दिया। अपनी कथा के दौरान उन्होंने कहा कि बिना क्रांति के हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिलेगी, अब मुरली से काम नहीं चलेगा, अब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा, ब्रजभूमि को एक बार फिर से क्रांतिमय बनाना होगा। बता दें कि कथा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित होती है। इस दौरान राम भद्राचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि अयोध्या में तो हमने राम मंदिर बना लिया, लेकिन अब काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यूपी पुलिस बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को होगा। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upbpbgov.in पर जाकर एग्जाम डिटेल चेक कर सकते हैं। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय जा रहे दिव्यांग लेखपाल भर्ती कराए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हजरतगंज में दारुल सफा पर रोक दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास हजरतगंज में दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं। 188 लेखपाल की सीटों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। यूपी के राजस्व लेखपाल पर आरोप लगाते हुए दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 महीने से दौड़ रहे राजस्व विभाग हमको दौड़ा रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश चयन आयोग हमको दौड़ा रहा है और सीएम साहब से हमको मिलने को नहीं दिया जा रहा है, कोई हमको मिलने नहीं दे रहा है, ना ही मिलवाया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हम लोग से राजी चुके हैं, वो हमारी करी है, हमारी द्वारा हमारी जो 188 सीटें हैं वो हमारी 4% रिजर्वेशन है वो भरी जाए, हम लोगों को दी जाए।